पाकिस्तान को सच्चे मंशूर से नवाज दो। नवाज शरीफ आज मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर पेश करेंगे। इकतदार संभालने के फौरी बाद बिजली के भारी बिलों में फौरी रिलीफ मंशूर का हिस्सा होगा। नौजवानों के लिए सबसे ज्यादा मराहत, तालीमी मैदान में हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी और SIFC से जुड़े तमाम प्रोजेक्ट्स लेकर चलने का वादा भी मंशूर में शामिल होगा। मुफ्तिलाज खवातीन को मुआशी मैदान में खुद मुख्तार बनाने और ज़रात को मंशूर में बुनियादी हैसियत दी गई। आज़ाद खारजा पॉलिसी और हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात भी मुस्लिम लीग नून का मंशूर। तब्दीली टोला ने पाकिस्तान के जिस्म पर कुल्हाड़ मारा। बिजली है ना गैस, मुल्क का क्या हाल कर दिया। इकतदार में आकर महंगाई ख़त्म करेंगे, नवाज शरीफ का आवाम से वादा। कायद नून लीग ने बुरे वाला में जलसे से खिताब में कहा, पाकिस्तान के हालात को इतना अच्छा बनाएंगे कि हर घर में रोज़गार होगा। साबिक हुकूमत पर भी तंज के तीर बरसा दिए। बोले, नवाज शरीफ के दौर में रोटी 4 रुपए की थी, आज 25 रुपए की है। ये है तब्दीली। इनके दौर में बिजली का बिल 500 रुपये आता था, आज 20,000 रुपये आता है। क्या ये है तब्दीली? नून लीग को वोट दें, फिर आवाम की खिदमत करेंगे। ये भी बता दिया कि उनकी हुकूमत ख़त्म ना की जाती तो आज हर घर खुशहाल होता। बिलावल भुट्टो जरदारी की नवाज शरीफ को मुनाजरे का चैलेंज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ट्वीट लिखा, 8 फरवरी से कबल नवाज शरीफ किसी भी मकाम पर मुनाजरा करें। दुनिया भर में उम्मीदवार मद्दे मुकाबला आकर बहस करते हैं, वोटर्स को मुनाजरे से उम्मीदवारों के मंसूबों का इल्म होता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुल्तान जलसे में फिर नवाज शरीफ पर तनकीद। बोले, 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहने वाला चौथी बार भी कुर्सी के लिए कोशिश कर रहा है, उन्हें अवामी मसाइल हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं। रायविंड वाले समझते हैं वो खुद ब खुद इलेक्शन जीतेंगे। 8 फरवरी को तीर की बारिश होगी और शेर का शिकार करेंगे। नून लीग वाले लाहौर से मुतालिक गलत तासुर दे रहे हैं। लाहौर में सोने की सड़कें और दूध की नहरें नहीं बह रही, सिर्फ टूटी सड़कें और आवाम महंगाई से तंग है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवे M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक का दाखिला मना। M4 पर फैसलाबाद से पिंडी भट्टियां तक नो एंट्री। धुंध के बाइस M3 और लाहौर से अलकोट मोटरवे M11 को मुकम्मल बंद कर दिया। मोटरवे M5 पर शेरशाह से उच्च शरीफ तक गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शहराम खालिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अभी खबर यह है कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवे M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक का दाखिला मना। M4 पर फैसलाबाद से पिंडी भट्टियां तक नो एंट्री। धुंध के बाइस M3 और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 मुकम्मल बंद। मोटरवे M5 पर शेरशाह से उच्च शरीफ तक गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, ड्राइवर्स तेज़ रफ्तारी से परहेज़ और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवे M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक बना। M4 पर फैसलाबाद से पिंडी भट्टियां तक नो एंट्री।